गुड मॉर्निंग गाइस, फॉर्मुलेटर पे आपका फिर से स्वागत है। राइट तो हम लोग अब बढ़ चुके हैं आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट का यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर देखे ना देखे PYQ जरूर देखना, एग्जाम से दो दिन पहले या दो घंटा पहले, ठीक है। तो हम लोग PYQ स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट जो करेंटली सॉल्व जो किया था, जो करेंटली जो हम लोगों ने पेपर खत्म किया था, वो था आपका लेजेंडरी का, बेसल्स एंड लेजेंडरी का। राइट तो लेजेंडरी का हम लोग देखेंगे आज कुछ क्वेश्चंस जो आ चुका है आपके एग्जाम में ऑलरेडी, और उस क्वेश्चन को देखेंगे कितने इजीली टाइप से हम लोग उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अभी। राइट तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो भैया लेजेंडरी में आपको दो ही तीन चीज मैंने बताया, लेजेंडरी में नो डाउट है बहुत बड़ा, लेकिन सॉरी उतना डीप जाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। PDE हो गया, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारा चीज है, प्लस फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो PDE में ऑलरेडी बहुत सारा चीज था, उसके बाद प्लस लेजेंडरी एंड वेसल्स इक्वेशंस, ठीक है। फिर उतना हीट वेव इक्वेशन क्या क्या था, बहुत सारा DLambert था, बहुत सारा चीज था। तो हम लोग जो है मेनली इसे माइंड में रखेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। अगर जो लोग लास्ट लेटेस्ट वीडियोस मेरा देखे होंगे वो लोग बोलेंगे क्या है भाई, क्या है मतलब, ठीक है। तो इसका याद है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो था, ऑर्थोगोनल बहुत बार पूछता, मैंने रिपीट करा था। उसमें था दो कंडीशन था, K1 और K2। एक था m≠n और एक था m=n। तो इसमें कुछ लंबा चौड़ा आया था इक्वेशन, याद है हमें, और इसका एकदम इजीली क्या हो गया था आपका, जीरो आ गया था, याद ही होगा। इसका आंसर जो था डायरेक्ट वो जीरो आ गया था, बहुत बढ़िया। तो ये जो जीरो आपका आया है, ठीक है, तो ये क्या था, ये आप देख सकते हो ऑर्थोगोनल वाले में ये चीज था। एम जब एन के बराबर नहीं हो, या फिर मैं आपको हिंट देता हूं, कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, लेजेंडरी से रिलेटेड हो, एम एन के बराबर नहीं होगा तो जीरो होगा, एकदम आंख बंद करके लिख दीजिएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कुछ, वो लोग चाहते हैं कि सर कैसे बचे, तो वो लोग साइड में लिख लीजिएगा एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप से कि एम एन के बराबर नहीं होगा तो जीरो होगा, एम एन के बराबर होगा तो कुछ इक्वेशन आएगा, ठीक है। ऐसा बस हिंट दे रहा हूँ वैसा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ भी हो उसमें जो जीरो होगा उसे हम लोग टिक कर देंगे। तो ऑप्शंस देख लेते क्या क्या था यहाँ पे। ऑप्शंस है आपका ए 2/2n+1, बी 0, सी 1, डी 2/2n+1, ऐसा करके। राइट तो आपको पता है कि भैया एम और एन के बराबर नहीं होता तो जीरो होता है, नॉट रॉन्ग। राइट बहुत बढ़िया। फिर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। खैर यहां तक तो आप लोग को समझ में आया होगा आई गेस, अच्छे से देखेंगे। और हाँ, PYQ में आपके कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप का आएगा, मतलब कि जो आपने पढ़ा है। देखिए एक बात बता रहे हैं, AKU का एक सबसे खतरनाक चीज बताते हैं कि जो आप लोग पढ़े होंगे, जितना सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत वास्ट है, सबको कंप्लीट करना, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है और सब कुछ सोचे कंप्लीट कर ले तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, PYQ को देखेंगे क्या क्राइटेरिया, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन दो तीन सॉल्व कर लेंगे एक्स्ट्रा। एग्जाम में रिपीटेड पूछता है कभी कभी, ठीक है, वैसा टाइप का। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है द फंक्शन -6 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, कि भैया लेजेंडरी इकोनोमियल याद है, लेजेंडरी इकोनोमियल किसे कहते थे, PNX, याद आया कि नहीं, ठीक है। तो भैया देखिए एक बात बता रहे हैं कि कुछ भी हो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे वो उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं उसको मैं इजिली बता रहा हूँ कि भैया बात क्या है यहाँ पे, कि
लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलने का मतलब है कि याद है एक जो टर्म आता था PNX वाला, है ना, PN जो टर्म आता था याद है ना, उसके टर्म में हमें लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एक जो था वो फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे उनको तो याद ही होगा, जो नहीं देखे उनको बता दे रहे हैं, 1/n·2n dn/dxn dn/dxn x²-1n x²-1n ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा टाइप का कुछ चीज था, राइट। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहां पे क्या है, आप लोग यहां पे आप हर एक चीज निकाल सकते हैं, हर एक चीज बोले तो एनीथिंग, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब इसमें आपको वैल्यू सारा निकालना होगा, जैसे कि एन का वैल्यू बस पुट करते जाइए और आपका आते जाएगा हर एक चीज, एन का वैल्यू बस पुट करते जाना है। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को हम लोग माइंड में अभी नहीं रखते, ठीक है, हम लोग अभी ये जो चीज अभी देखने वाले हैं एकदम सिंपल जनरली किसी के लिए भी देखेंगे, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अभी बस माइंड में रखिए, हमको निकालना है क्या, पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, सब एन का वैल्यू पे डिपेंड करते जा रहा है, राइट, इसी के टर्म में निकालना है हमें। तो आप जब इसमें एन के जगह जीरो रखिएगा पी नॉट एक्स के लिए, वन पुट एन इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा यहां पे, ये जीरो फैक्टोरियल वन हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल आपका वन हो जाएगा, टू का पावर एन मतलब वन हो जाएगा, और ये जीरो जीरो बाय जीरो जीरो हो जाएगा ये, तो ओवर रिल कर छटके पी नॉट एक्स जो है ये वन आ जाएगा, तो यहां पे पी नॉट एक्स का वैल्यू हमारा वन आएगा। सॉरी, अब एन के जगह टू रखेंगे, एन के जगह सॉरी वन रखेंगे, तो आप देखिएगा एन के जगह आप वन रखिएगा, टू का पावर वन, और ये वन हो जाएगा जीरो करते हुए, ठीक है। एन के जगह जब हम लोग वन रखेंगे यहां पे करके, यहां पे एन के जगह जब वन रखेंगे आप, तो ये जब टोटल सॉल्व कीजिएगा इसको इजिली, ये एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा, टू टू कट जाएगा और एक्स, तो बचेगा क्या आपका, एक्स बचेगा यहां पे। अगर नहीं वैसा होता विश्वास तो मैं दिखा देता हूं, पी नॉट एक्स का वैल्यू निकालते पहले, पी नॉट एक्स 1/1·2 और ये जीरो फैक्टोरियल होगा जीरो के लिए, पहले के लिए सॉल्व करें, ठीक है, दिखा दे रहे आपको, नहीं तो आपको बोलिएगा ऐसे कैसे होगा, और ये कुछ का पावर भी जीरो तो वन हो जाएगा, वन का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ये x²-1 का पावर जीरो कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा ऐसा टाइप का, और ये आपको जीरो जीरो मतलब तो कुछ रहेगा नहीं, तो ये आपका वैल्यू वन आ जाएगा। अगर हम लोग पुट एन इजक्वल टू वन, तो पी वन एक्स क्या आ जाएगा, 1/1·2 d/dx x²-1 ये कट छट के आपका x आ जाएगा, टू 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 कट जाएगा ये, वो हर एक चीज करते हुए, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकला। उसी तरह से अगर आप n इक्वल टू टू रखिएगा तो आपका आएगा 1/1·2 देख ले रहे हैं क्या है रिजल्ट मेरा, 1/2 3x²-1 3x²-1 ये आया मेरा, ये आया। यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 के जगह पी। अब देखिए अब हमको सब चीज, ये जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि भैया लेजेंडरी पॉलिनोमियल के टर्म में लाना है आपको, तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल टर्म जितना भी एक्स है वन है सबको आप लेजेंडरी पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब आप लोग निकालोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3
2p2x प्लस p नॉट x प्लस p नॉट x। समझ में आया क्या? p नॉट x किसी वन के जगह रख दिए थे हम लोग करते हुए, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगर ये तो हो गया, x स्क्वायर का वैल्यू आ गया, राइट। हमारे क्वेश्चन में कहां तक बोला था? x स्क्वायर तक ही बोला था। इसी हिसाब से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, p3 भी निकाल सकते हैं, p3x भी निकाल सकते हैं, p4x भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से यहां इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और कुछ भी निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट। तो हम लोग यहां पे देखते गए सॉल्व करते गए, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे। ये मैंने मेथड बताया, चाहे न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन था 3x² प्लस 5x माइनस 6, है ना। 3x² प्लस 5x माइनस 6, 3x² प्लस 5x माइनस 6, ये चीज था आपको। अब आप क्या कीजिएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया है। मैं सारा क्वेश्चन ए टू जेड टोटल सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ऊपर से थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज अभी मैं टोटल बना दूंगा, इतना हिंट काफी, मैं कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करता हूं। अभी तो मैंने इतना सॉल्व कर ही दिया, अब इसके बाद क्या है भाई, अगर आप थोड़ा सा भी जेन्युइन आदमी तो तुरंत बना लोगे सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को, इसका ये चीज हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया, कहाँ से? ये वाला, ये पुट कर देंगे, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन देखना, बहुत सारा टॉपिक्स है, एंड एंड में जाएंगे। उसी हिसाब से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू मार निकला हुआ था ये पी वन एक्स, उसी हिसाब से हम लोग सारा वैल्यू अकॉर्डिंगली इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। समझे क्या? बहुत बढ़िया। लेजेंडरी पॉलिनोमियल के टर्म में हम लोग ऑल वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पे, उसके बाद आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या बोलते हैं? उसके बाद आपका जो आंसर आएगा, आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली You will get the answer accordingly. कुछ भी क्वेश्चन हो, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में सेम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज करता ही है, तो कोई फायदा नहीं आप लोग आंसर को एग्जैक्ट ला के। आप लोग बस अपना माइंड में ऐसा सेट रखिए कि भैया कुछ भी है हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है। अपने यहाँ एक्स स्क्वायर का यहाँ से पुट कर दीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, और वन का अकॉर्डिंगली पी, और वन का आपको पता है वन होता है पी नॉट एक्स, अगर उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन को देखिएगा उसके अकॉर्डिंगली टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला खत्म हो गया, राइट। इसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या है। ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टोटल समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या। सो गाइस, बढ़ते आगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेजेंडरी से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो यही है, स्टेट एंड प्रूफ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी पॉलीनोमियल। ये कितने नंबर का था पता है? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये इतने नंबर का आता है, किससे ज्यादा नंबर का आ ही नहीं सकता एग्जाम में। 14 मार्क्स, मतलब वो बच्चे जो बैक से बचना चाहते हैं बस इसको बना लीजिए, खेला खत्म। क्या सही बात है? तो ये चीज रखना है 14 मार्क्स का भाई, इससे ज्यादा मतलब जी जान लगा दी इसमें, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसमें जी जान लगाएंगे, और ऑब्वियस बात है जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर में टोटल कंप्लीट अच्छे से किया हुआ है। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब फॉलो इन द सेंस कि क्या, कि अगर आप नहीं देखे हैं तो ये चीज आपको पूरा समझना पड़ेगा। पहला बार हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज इसमें बहुत सारा चीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। दूसरे बार हो सकता है कि आपको क्या हो,
कि आपको ये लगे कि भैया क्या बोलते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चल रहा है, बिकॉज इसके लिए ना बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कुछ कुछ बेसिक चीज आना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बार जब आप करोगे तो आपको टोटल समझ में अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऐसे ऐसे करके आपको प्रोग्राम किया जा सकता है कि भैया माइनस वन से वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है अगर इफ एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू एन हो। और ये होता है आपका माइनस वन से वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू बाई टू एन प्लस इफ एम इक्वल टू एन हो। ये कंडीशन होगा तो ये होगा, ये कंडीशन होगा तो ये होगा। या फिर इसको क्वेश्चन को ऐसे भी प्रोग्राम कर सकता है। ओवरऑल आपको करना क्या है, इसमें दो केस लेना होगा, दो कंडीशन बनाना होगा और दोनों और दोनों कंडीशन में आपको लिखना यही है कि भैया ये ऐसा होगा तो क्या होगा और ये ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये केस ऐसा सिंपली कर करके लेना है और हमें करना है। समझ में आ गया आपको, राइट? बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अच्छे से और इस चीज़ को करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे सीन क्या है आपका कि पहला हमें अराइज करना है कंडीशन, है ना। पहला क्या लेंगे, व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन, प्रूफ करना है इसे। तो पहला प्रूफ मैंने ये लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूँ, अच्छे से बता दिया मैंने हर एक चीज को, आप जाके लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हो उसमें टोटल लेव में, लेकिन मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से। प्रूफ व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम इज नॉट इक्वल टू एन होगा तो कैसे कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग उससे देखना है। देखिए एक बात बता रहे हैं, पी एम एक्स हो या पी एन एक्स हो, कुछ भी हो, अगर लेजेंडरी पॉलिनोमियल हो तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्वेश्चन को वो सेटिस्फाई करेगा। सिंस पी एम एक्स एंड पी एन एक्स सेटिस्फाइज लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, करेगा सेटिस्फाई, नो डाउट, है ना। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है उसको देखते, उसको लिखते और उसको देखते आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है हमें, राइट। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या हमें पता है। सबसे पहले बात तो ये कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता क्या था, लेजेंडरी इक्वेशन क्या होता था, लेजेंडरी इक्वेशन आपका जो होता था वो था वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस एन प्लस एन एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो एन प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा ही कुछ होता था। तो यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स आपको पता है पी है, ठीक है, पी डैश एम है ये सब, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे इसी इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोगों ने यहाँ पे ये दो इक्वेशन फॉर्म किया है। हमको पता है पी एम एक्स और पी एन एक्स सेटिस्फाई करता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो भैया आपका ये इक्वेशन ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एम माइनस टू एक्स पी डैश एम प्लस एम एम प्लस वन पी एम, ये था फॉर एम के लिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन वन। उस हिसाब से जब हम लोग एन पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, इसका नाम रख दिया इक्वेशन टू। क्या बात है, वन टू रखने बहुत मन लगता है नहीं। अब क्या है, ऐसा जब खेला हो जाएगा तो सीधा करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग वन एंड टू बाई पी एन एंड पी एम में। ये पी एम वाला था तो इसको पी एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी एन वाला था इसको पी एम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग वन एंड टू बाई पी एन एंड किसे पी एन और पी एम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। वन एंड टू बाई पी एन एक्स एंड पी एम एक्स, ठीक है, वन बाई पी एन एक्स और टू बाई पी एम एक्स। वन वाला जो है उसको पी एन से मल्टीप्लाई करेंगे और टू वाले को पी एम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग वाले से, है ना, रिस्पेक्टिवली। एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको सब ट्रैक करेंगे। बहुत बढ़िया एकदम। और देखिए एक बात बता रहे, 14 नंबर का है तो एकदम ले जाइए, एकदम 30-40 पेज में लिख देना है, मतलब वहां पता है उतना पेज का नहीं आता आपका। जितना ज्यादा अच्छे से सजा सजा के लिखिएगा, मेरी राइटिंग तो थोड़ा खराब है, आप लोग का ज्यादा अच्छा है तो आप लोग का और अच्छे से होगा,
इसको करते हैं आगे, ठीक है, सब लिख लीजिएगा आप लोग साथ में। फैलों की घंटी बजी, ठीक है, ये सारी चीज को यहां ऐसे से करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका एक आएगा इक्वेशन, बहुत लेंदी सा, उसे लिखते हैं जल्दी से। सो गाइस, उसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला बात तो ये वाले को मल्टीप्लाई करना था आपको किससे, 1/PNX, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना था किससे, PM से। मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा आएगा, जल्दी से आप लोग भन से रखिएगा, ऐसा ही टाइप का कुछ चीज आएगा, नो डाउट ऐसा टाइप का चीज आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि हम लोग को एक सपना आएगा, और सपना क्या आएगा, मैंने बताया था ना स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, और मानना पड़ेगा इन द सेंस, ये वाला जो चीज है, ये वाला यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d by dx 1 minus x square p dash m pn minus p dash n pm। इसे जब आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला जो दो टर्म है ना, यही दो टर्म आ जाएगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ये आगे चलिएगा जब बहुत सारा क्वेश्चन बनाएगा तो आपको पता चलेगा, और हाँ बस लेक्चर के भरोसे नहीं, आपको दूसरे दूसरे बुक से फॉलो करके अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहने होंगे, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा d by dx 1 minus x square p dash m pn minus p dash n pm, ये वाला चीज आ गया, राइट, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये वाला चीज आपका आ गया। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे +m² - n² अब ये यहां पे क्या था, m² - n² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m + n (m - n) और एक जो था हमारा +m - n (pn, pm = 0) ऐसा आएगा क्या, इसको जल्दी से लिखिएगा, ऐसा आएगा क्या, ऑब्वियस बात है ऐसा आएगा, राइट। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को उधर ले जाएंगे, है ना, इस चीज को हम लोग उधर ले जाएंगे, नो डाउट। तो पहले इसको एक और चीज लिख सकते हैं, d by dx 1 minus x square p dash m pn minus p dash n pm, और ये जो है यहां पे आप लोग एक चीज कॉमन लीजिएगा, +m - n अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m plus n और क्या हो जाएगा, +1, pn pm = 0 आ जाएगा, राइट, ये चीज आपका आ जाएगा। और इसको जब हम लोग उधर भेजेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, d by dx 1 minus x square p dash m pn minus p dash n pm, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस को हम लोग कॉमन लेके अगर सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो n माइनस m करके लिख सकते हैं क्या, उधर जाएगा तो m plus n (1 pn pm = 0) यहां तक आ गया क्या, ये आ गया, राइट, यहां तक आ गया आप लोग का, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -1 to +1, ये लिमिट रखना है और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट मतलब क्या, यहां पे हम लोग लिमिट दे देंगे, अपना लिमिट दे दिए बन -1 to +1, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आएगा उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से, राइट। सो गाइस आगे बढ़ते फिर,
देखते हैं हमारा ये था इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करके नाउ फाइंडिंग, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। माइनस वन से प्लस वन हम लोग इंटीग्रेट करा, ऐसा साइन दे दिया यहाँ से यहाँ, फिर ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऐसा ही कुछ आएगा क्या? इसको मैंने इधर लिखा, आप लोग झिलफिला मत जाइएगा, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया। अब ऑब्वियस बात है मैच्योर है भाई, अगर देखिए मैथ्स पढ़ रहे हैं पॉज कर करके अच्छे से देख देख के एकदम, ऐसा नहीं होगा कि चाय वाई पीड़े उधर ऐसे देख ले, अच्छे से देखना होगा ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से देखा हम लोगों ने, ऐसे ऐसे करते 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 गया वहां तक राइट। अब क्या है सीन आपका, अब क्या है ऐसे करते हुए तो हम लोगों ने यहां तक बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एम एन के बराबर नहीं है, हमारा कंडीशन याद है पहला केस जो था हमारा, इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, उसी को हम लोग लेके आगे प्रोसीड कर रहे थे। तो ये तो जीरो नहीं होगा है ना, एम एन के बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एम, एम प्लस एन माइनस वन, माइनस वन से वन, पी एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू, वो हट जाएगा वो साइन, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम माइनस वन से वन। नाउ वी नो दैट दैट इज एम एन इज नॉट इक्वल टू एम, देन वी हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। ओके तो यहां पे हम लोग देखेंगे एज 14 नंबर का है इसलिए सांस तान के एकदम बैठे, एज वी नो एन इज नॉट इक्वल टू एम, देयरफॉर ये तो हटा दीजिए ये वाला चीज। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये वाला चीज जो है यहाँ पे, जब आप वन और माइनस वन रखिएगा, वन और माइनस वन एक्स की जगह वन और माइनस वन कुछ भी रखिए, ये टर्म टोटल जीरो हो जाएगा, ये इधर वाला टर्म जब इसका वैल्यू आप लोग रखिएगा तो ये टर्म टोटल इधर जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि भैया, और ये तो जीरो हो, तो हम लोग देखेंगे कि एन माइनस एन एम प्लस एन माइनस वन माइनस वन से वन पी एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते डायरेक्ट कि माइनस वन से वन पी एम पी एन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये हमारा आ गया पहला, यही चीज लाना था, क्या बोलते हैं बनता है, यही चीज लाना था, हेंस प्रूफ्ड ये। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे दूसरे की ओर। अब हम लोग का क्या है, दूसरा केस क्या था, m इज इक्वल टू n, ये वाला लेन दी जाएगा, ये वाला एकदम याद रखिएगा, बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा, आप लोग देखा ही अभी आप लोगों ने कि कितना ज्यादा पूछता है ठीक है। लेजेंडरी बेसल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसी कीजिए, लेकिन लेजेंडरी ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लेजेंडरी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेसल से नहीं आते, बेसल से भी आते हैं, आप लोग को जितना क्वेश्चन लगाना है एक्स्ट्रा लगाइए अपार्ट फ्रॉम दिस। फिर हमारा आता है सेकंड टर्म, सेकंड क्या था कि भैया एम इज इक्वल टू एन होगा तब कैसे कैसे करना है राइट। तो उसे देखेंगे हम लोग कि भैया एम इज इक्वल टू एन होगा तो क्या क्या करना है ठीक है। सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या कि भैया m इक्वल टू n होगा तब कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था लेक्चर में भी और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोग के पास ऑब्वियस बात है उतना टाइम नहीं है। ये होता है जनरेटिंग फंक्शन का इक्वेशन, स्पेशली कोई एक भी इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ठीक है, ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये आपका था, ये आपका जो ये एक पार्ट देख रहे हैं ये आपका है 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट पी एन एक्स इंटू टू का पावर एन, ये आपका इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो उसी हिसाब से अगर अब यहाँ पे एन के जगह एम रखे तो ये भी हो जाएगा पी एन एक्स पी एम एक्स, यही दोनों चीज के लिए तो प्रूफ करना है। तो एक बार हम लोग का इक्वेशन ये आया, इसका नाम दे दिए इक्वेशन वन, इसका नाम दे दिए इक्वेशन टू। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग
इक्वेशन, इन इक्वेशन को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली, तो क्या आएगा मेरा बताइएगा। 1 - 2xz + z² - 1/2, ये दोनों टर्म जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 2xz + z² - 1/2 - 1/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट PMX इंटू 2 का पावर m+n, ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा क्या? सॉरी टू नहीं, ये जेड है, ये वाला जो भी चीज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा क्या? राइट, बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पे सब लोग ठीक कर लीजिएगा, ये जेड है आपका हर जगह, जेड का पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये करते 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 अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। यहाँ तक लिखिएगा आप लोग जल्दी से, उसके बाद हम लोग को करना क्या है वो देखना है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन -1 to 1, अब हमें करना है इंटीग्रेट। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -1 to +1, यही लिमिट रखेंगे और इंटीग्रेट करना है हमें जल्दी से। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा वो देखते हैं। अच्छा फिर मैंने ब्लू ही ले लिया, पहले ये इस वाले साइड को लिख रहा हूं, n = 0 to ∞ -1 से 1 इंटीग्रेट करना है, PMX.PNx (z^m+n) dx, इस साइड क्या आ जाएगा, ये पावर -1 है ना, -1 से 1, 1/(1 - 2xz + z²) ये तो पावर हट जाएगा dx, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जल्दी से, राइट। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने हिसाब से और जल्दी से इसे लिखेंगे, क्या बोलते हैं, ये वाला आपका आ जाएगा फाइनली। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या बोलते हैं मेरे भाई, एकदम आ जाएगा। अब हम लोग नाउ पुट m = n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। यहाँ पे ये इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हुआ था कि सर यहाँ n है तो n है, यहाँ एक m होना चाहिए, नहीं वो जनरल टर्म लिखा हुआ है n = 0 के लिए, हाँ उतना तो पता हो गई। -1 से 1 ये भी PNX हो जाएगा, वो तो PNX था ही, z^(2n) हो जाएगा dx = इस साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए बताइए आप लोग जल्दी से। इस साइड आप लोग जाते हैं इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन ये जब होता है तो x का कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2z, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, log (1 - 2xz + z²) ये हो जाएगा राइट, लिमिट -1 से 1, लिमिट -1 से 1 रखना है। लिमिट -1 से 1 ही क्यों रखेंगे, बिकॉज यही का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। -1 से 1 हम लोगों ने लिमिट रखा, उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल जल्द से लिखिए, कोई घबरने का बात नहीं है, इसी क्वेश्चन को लिखेगा जल्द से, इसको तब तक करते हैं।
तो भैया ये था आपका सीन, ये यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने करा सॉल्व, राइट। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है, आए का क्या सीन है। सो गाइस आगे देखेंगे हम लोग, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एन की जगह ये, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उधर साइड देखिएगा, एक्स की जगह माइनस वन और वन रखेंगे हम लोग, वन और माइनस वन, तो हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू जेड। पहला बात ये, एक्स का कोफिशेंट माइनस टू जेड था ना, तो यहाँ माइनस आएगा, जो सॉरी जो एक्स का कोफिशेंट है उसमें माइनस, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस वन बाई टू जेड। अंदर में हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, अंदर का करेंगे जब हम लोग इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, मतलब वो जब वैल्यू पुट रखेंगे तो लॉग वन माइनस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस लॉग वन प्लस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा क्या, ऐसा कुछ आएगा क्या? यही आएगा है ना, बहुत बढ़िया। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन से वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर जेड का पावर टू एन डी एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई टू जेड। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है ना, लॉग वन माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस लॉग वन प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते बिल्कुल। इसको और क्या लिख सकते हैं ये चीज को इक्वल टू करके, माइनस वन बाई टू जेड। अब हमें पता है लॉग में अगर पावर ऊपर पावर में रहता है, लॉग में पावर, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इधर टू कॉमन हो जाएगा, दोनों से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, टू टू कट गया, फिर इधर क्या बचा, माइनस वन बाई जेड लॉग वन प्लस जेड माइनस, और अगर हम लोग ये माइनस को अंदर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई जेड लॉग, ये पहले आ जाएगा अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो। अब हम लोग यहां पे लॉग वन प्लस एक्स और लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे। सिंपली हम लोग को लिखना क्या है, कहीं पे भी देख लीजिएगा, अगर आप लोग को पहले नहीं पता हो तो इलेवन ट्वेल्थ में हम लोगों ने पढ़ा है, लॉग वन प्लस एक्स का लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है, कि एक्सपेंशन क्या होता है। लॉग वन प्लस एक्स का अगर बात करें तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और क्या होता है भाई, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, डॉट 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 चलता जाएगा, और वन माइनस एक्स में क्या आएगा, इसमें सारा चीज माइनस ही में रहता था, माइनस एक्स वही एक्स की जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री डॉट 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 चलता जाएगा, ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा टाइप का जब भी चीज आए, लॉग वन प्लस जेड माइनस वन माइनस जेड, तो यहाँ पे हम लोग लॉग का इसका एक्सपेंशन का वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाता है ये, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है कि भैया ये चीज वो चीज और वो चीज, दो तीन चीज ध्यान देना है आपका पूरा लेजेंडरी क्वेश्चन का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सॉल्व, ठीक है। तो वह लॉग वन प्लस जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड क्यूब बाई थ्री डॉट 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 माइनस माइनस जेड स्क्वायर बाई टू माइनस जेड क्यूब बाई थ्री डॉट 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 चलता जाएगा, है ना, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ 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 से यहाँ चलता जाएगा, राइट। तो अंदर देखेंगे कि क्या चीज बचेगा, बहुत बढ़िया, ये है प्लस माइनस प्लस के केस में चलता जाएगा, तो ये चीज फाइनली हमारा क्या क्या बचेगा, बस ऑड वाला टर्म बच जाएगा, आई गेस ऑड वाला टर्म बच जाएगा। सो यहां पे हम लोग देखेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि भैया करते जाएंगे इसको, तो ये फाइनली इधर क्या आएगा, उधर हमारा ये वैल्यू था ना, समेशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन से वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर जेड का पावर टू एन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया था आपका, इधर साइड में देखेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे बस दिमाग लगाना है, ये और इवन वाला टर्म सारा कटते जाएगा, माइनस है तो प्लस होकर के कट जाएगा, बस ऑड वाला टर्म बचेगा नीचे में जब आप लोग दिमाग से देखिएगा तो बस ऑड वाला टर्म बचेगा, तो जेड बचा नहीं सॉरी टू जेड बचा, टू भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, सब दो दो बार बचेगा ना, जेड जेड टू जेड हो जाएगा, जेड क्यू बाई थ्री प्लस जेड क्यू बाई थ्री, टू जेड क्यू बाई थ्री टू कॉमन हो जाएगा, जेड प्लस जेड क्यू बाई थ्री प्लस जेड फाइव बाई फाइव डॉट 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 चलता जाएगा। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जेड भी कॉमन ले ले, तो जेड भी अगर कॉमन ले लिए तो टू जेड से जेड कट जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड फोर बाई फाइव प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, जेड का पावर टू एन बाई टू एन प्लस वन, यही आएगा कि नहीं, टू एन टू द पावर टू एन बाई प्लस वन, ये आराम से बस सांस लेकर अच्छे से बैठ कर देखिए, सेम वही चीज आएगा, राइट यही चीज आएगा आपका फाइनली, है ना, ये चीज यहां से था। अब हमें क्या करना है, इस चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन से वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स जेड का पावर टू एन को बाहर ले लिए इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका टू है मल्टीप्लाई में बाहर, राइट टू, और क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, टू वही चीज रिपीट हो जाएगा, अब क्या करना है, यहां पे एक चीज दिमाग लगाना है, जो चीज आप बहुत लोग के लिए नया होगा लेकिन इलेवन ट्वेल्थ पे बहुत वर्क करा दिया गया है, यहां तक लिखने के बाद ठीक है यहां तक लिखने के बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग ये दिमाग लगाते हैं हम लोग, जब भी ऐसा समेशन टाइप का चीज होता है ना तो यही लगता है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होता है साथ में, कोएफिशिएंट ऑफ जेड का पावर कौन सा है, टू एन, जेड का पावर टू एन के कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर देंगे यहां पे सिंपली, जेड का पावर टू एन का कोएफिशिएंट इस साइड कौन सा था भाई, यही तो था, माइनस वन से वन पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, और जेड का पावर टू एन का कोएफिशिएंट क्या है, टू बाई टू एन प्लस वन, टू बाई ये एंड वाला टर्म है ना, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे टू बाई टू एन प्लस वन, यही आएगा, थोड़ा सा सांस लेके दिमाग लेके देखिएगा, यही चीज आपका आ जाएगा डायरेक्ट। सो फाइनली मेरा ये आ गया, ये कब आया, व्हेन m इज इक्वल टू n था तब, और जब m इज नॉट इक्वल टू n था तब क्या आया था, जीरो आया था, वो चीज याद है ना, तो हम लोग का यहां तक हो गया क्लियर, इतना में आपका 14 क्या 20 नंबर आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, सजा सजा के अच्छे से एकदम लिखिएगा, एकदम एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि इतना कहाँ से कर लिया भाई, फिर आपको पता कहाँ से किया क्या, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है, दैट मीन्स कि 14 नंबर आ गया, मतलब कि खतरनाक बच्चे हैं भाई ये वाला लेक्चर को दो तीन बार देखिएगा, ये क्वेश्चन दो तीन बार कीजिएगा, भन से पूरा खेला खत्म,
समझ में आ रहा है, दो तीन जगह पॉइंट देने वाला था, एक लॉग का एक्सपेंशन, एक जनरेटिंग इक्वेशन जो होता है वो हमें जानना था बस, यही तो, और एक जो इंटीग्रेशन करना है, ये स्टेप तीन बार देखिए पूरा खेला खत्म, एकदम तीन बार का है ये चीज़, राइट। समझ में आ गया आई गेस, ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर आगे मिलते हैं गाइस, राइट, बहुत बढ़िया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द फॉर्मुलेटर, राइट। सो हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो PYQ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बस आप कंसेप्ट समझिएगा, इसके रिगार्डिंग जैसा भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, राइट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप लोग सेम क्वेश्चन के पीछे नहीं रहिएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये नॉर्मल दिया हुआ था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यू इक्वल टू फंक्शन है x² + y² + z² - 2xy, ये आपको बनाना है, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन को हटाकर, एलिमिनेट करके हमें बनाना है इक्वेशन PDE, याद है ∂z/∂x जिसको स्मॉल p बोलते थे, ∂z/∂y जिसको स्मॉल q बोलते थे, उस फॉर्म में बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया, सबसे पहला चीज तो ये कि यहां पे ये क्वेश्चन इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में यू इज इक्वल टू ये करके दिया हुआ है, तो भैया यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसी को एलिमिनेट करके हमको बनाना है कैसे करके, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो देखिए ये कोई u इक्वल टू ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ये u और वो u में कंफ्यूज नहीं होगा। तो हम लोग एक काम करते थे, इसको हम लोग u मान लेते हैं, ये था कर्सिव, आपको पता है बहुत सारा u होता है, कर्सिव u, स्मॉल u, कैपिटल u, तो कोई भी u आप इसे मान लीजिए, दूसरा u, ठीक है, नॉर्मल u, कंफ्यूज नहीं होना, ये और u और ये u में, ये कर्सिव u था, ये मैंने स्मॉल u मान लिया ऐसे ही, ठीक है। और ये आपका है v, ठीक है, इसे u माना, इसे v माना नॉर्मली, तो ये फंक्शन क्या चीज का हो गया, u और v का हो गया, ये फंक्शन आपका u, v का हो गया, ये और u में इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, इसको मैं बड़ा u बना देता हूं, खेल ही खत्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, u है हमारा, तो u को पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू x, ∂u/∂x क्या आ जाएगा, ये 2x + 2z ∂z/∂x यही आएगा क्या, क्योंकि y तो जीरो हो जाएगा। फिर अरे रे सॉरी, ये मार्कर गिर रहा है, एक सेकेंड। फिर उसके बाद ∂u/∂x ∂u/∂y क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ∂u/∂x क्या हो जाएगा, ये आपका 2y + 2z ∂z/∂y ये हो जाएगा, ये था u वाला टर्म, ठीक है, राइट, याद रखिएगा ये चीज। उसी हिसाब से v को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ∂v/∂x यहां पे 2z ∂z/∂x - 2y। उस हिसाब से ∂v/∂x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2z ∂z/∂y - 2x ऐसा ही कुछ कुछ आएगा क्या। देखिए भैया u भी था, u को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार v को x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर डाला, ठीक है। अब क्या है, हमें इतना को जल्दी से करेंगे तो इसके बाद हमें पता है, अब यहाँ पे वैल्यू वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं, जैसे ∂z/∂x हमें पता है क्या हो जाता है स्मॉल p, ∂z/∂y (q), ∂z/∂x (p), ∂z/∂y (q). तो पी क्यू यहाँ पे हम लोग इंटर रिलेट इंटरचेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे, या तो आप ये लिखे नहीं तो पी क्यू के टर्म में आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो इतना लिखिएगा जल्दी से आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि करना क्या है ना। ये सब चीज तो मिल गया हमें, अब हमारा जो इक्वेशन था, तो ∂u/∂x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x + 2z + 2zp लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2zp - 2y, इसे क्या लिख सकते हैं 2zq - 2x लिख सकते हैं कि नहीं मेरा भाई,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे का उस हिसाब से इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। यू और भी था, यू को एक बार एक्स को और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक बार भी को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी ऐसा टाइप का फंक्शन मानेंगे ना, तो ये चार टर्म हमें निकालना पड़ेगा। इसका यूज आ जाएगा कैसे, इस इक्वेशन का नाम रखा था हमने, इस इक्वेशन का नाम रखा था हमने इक्वेशन वन बोल दीजिए, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन था यू, इसको करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना। ये जो फंक्शन था इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। ये जो फंक्शन है हमारा उसको करना है डेल एफ बाई डेल एक्स। फंक्शन क्या चीज के टर्म में था, यू कॉमा भी के, यही था ना फंक्शन आपका यू कॉमा भी। इसी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ये लिख सकते हैं क्या। यही ट्रिक मैं आपको बहुत बार स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बता चुका हूं, सेम ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। उसी हिसाब से भी वाले को क्या लिख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल भी इंटू डेल भी बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल यू, डेल यू बाय डेल एक्स हमारा क्या आया है, ये 2x प्लस 2zp, एकदम सांस लेके अच्छे से देखिएगा, प्लस डेल एफ बाई डेल वी, और डेल वी बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हम लोग, 2zp माइनस 2y, 2zp माइनस 2y, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, राइट। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सांस रोक कर आराम से देखकर लिखिए, आराम से लिख सकते हैं ये चीज, लिख सकते कि नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा इक्वल टू ये जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है जो भी, इसको हम लोग जीरो के इक्वल मान लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें समझ में आया। उसी हिसाब से अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो डेल एफ बाई डेल वाई यू कॉमा भी, सेम वही प्रोसीजर बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में, डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल वाई। इस फॉर्म में हम लोग इसलिए किए थे बिकॉज ये चारों का वैल्यू हमें पता है, ये ट्रिक होता है, ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी यू भी के टर्म में ऐसा ऐसा टाइप कर रहे हैं ना, एकदम याद कर लीजिए ऐसा टाइप का होगा सॉल्व, इजीली देखते हैं इसे अब हम लोग। तो भैया डेल एफ बाई डेल यू तो था ही, डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा, डेल यू बाई डेल वाई आपका ये वाला है 2y प्लस 2z क्यू, 2y प्लस 2z क्यू प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा, डेल वी बाई डेल वाई ये हो जाएगा 2z क्यू माइनस 2x, 2z क्यू माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हो गया ऐसे। तो अब सीन क्या है यहां पे, ये हमारा हो गया यहां तक, तो यहां तक अच्छे से सांस रोककर आराम, सॉरी सांस रोककर नहीं, सांस लेकर आराम से देखिए यहां तक, समझ में आया क्या यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, राइट। कोई दिक्कत नहीं,
तो ये था आपका, इसे आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए। इक्वेशन 1 था 2 3, तीन चीज आया। अब करते हैं हम लोग आगे का। अब करते हैं सॉल्व हम लोग आगे का, राइट। तो भैया ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल एफ बाय डेल यू 2x प्लस 2zp इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाय डेल वी 2zp माइनस 2y माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 को हम लोग लिख दिए, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिए। और इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं? डेल एफ बाई डेल यू, आपको पता चल जाएगा ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, 2y प्लस 2zq इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल वी 2zq माइनस 2x। ये आपका इक्वेशन 5। अब हमें ऐसा हम लोगों ने इसलिए लिखा ताकि, बिकॉज हमें हटाना क्या था, अगर ये सब डेल एफ डेल यू ये सब हट जाएगा तो हमारा पी और क्यू के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन, पी और क्यू के टर्म में लाने के लिए। नाउ समझ में आया क्यों? देखिए जादू दिखाते हैं अभी। इक्वेशन 4/5, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डेल एफ डेल एफ वाला पूरा खेला खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा? देखिए मस्त यहाँ पे मजा आएगा, क्या बच जाएगा? 2x प्लस 2zp बाई 2y प्लस 2zq डेल डी बाय डेल एफ बाय डेल यू, डेल एफ बाय डेल यू खत्म, खेले खत्म, माइनस माइनस इधर कट जाएगा, डेल एफ बाय डेल भी, ये भी खत्म, ये भी खत्म। देख सकते हैं आप यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये अब माइनस माइनस तो खत्म हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, काटने में बहुत मन लगता है नहीं? 2zp माइनस 2y बाय 2zq माइनस 2x ये आया। इसी को अरेंज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए p और q के टर्म में आ गया हमारा इक्वेशन, यही तो लाना था ना। P क्या है? डेल जेड बाय डेल एक्स। क्यू क्या है? डेल जेड बाय डेल वाई। सिंपल, यही तो लाना था हमें। कितने मजे से आ गया नहीं? बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो गाइस ऐसे ही करेंगे सॉल्व और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस चीज को, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं तो समझ में आया क्या किए। जब भी ऐसा टाइप कराया ना यू भी के टर्म में, तो एक बार यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार यू को वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार भी को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार भी को वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद दोनों को डिवाइड करके उसके बाद फिर आराम से अपना खेला खत्म कर देंगे, राइट। समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आप लोगों ने लिखा है पहला बार था, दूसरा बार देखिएगा, फिर तीसरा बार देखिएगा, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। आई गेस आपको अच्छे समझ में आओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा टाइप का आता है। सॉल्व डेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस q² इक्वल टू x² प्लस y² हमें पता है भैया यहाँ पे p क्या है आपका? p डेल जेड बाई डेल एक्स। क्यू क्या है? डेल जेड बाई डेल वाई। ये सब पता है, बहुत पहले ही बता चुका है, फोर्थ क्लास में ही बता दिए थे ये सब, ठीक है? तो भैया करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब कि पी क्यू हटाना है ना, फॉर्म करना होता है तो पी क्यू में लाना होता है, सॉल्व करना होता है तो पी क्यू हटाना है। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो
तो इसमें क्या सीन है, पहले तो हम लोग भैया ये देखेंगे कि ये सीन क्या है, मतलब यहाँ पे नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जेड स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो नॉन लीनियर तो है ही, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इट इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। लेकिन एक और चीज यहां पे नोटिस करेंगे क्या, कि एक चीज यहां पे और दिख रहा है कि ना ही ये कोई, जो भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म तीन बताया था उन तीनों से एग्जैक्ट मैच भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज कर सकते हैं यहां पे क्या, कि इसको हम लोग, ये कोई मैच नहीं कर रहा तीनों से, हमेशा याद रखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आपका तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं करेगा, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया वो चीज, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री, स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखते तो कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे इसे, है ना। सो हमारा क्वेश्चन यहां पे है ये, ठीक है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तोड़िए, इसको और डीप कीजिए, यहां तक आया। यहां तक आया, इसको और क्या लिख सकते हम लोग, जेड डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना, ये यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, राइट। बहुत बढ़िया, यहां तक जल्दी से लिखिएगा, और से हम लोग को रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री जो था वो था आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री जो था हमारा कहाँ गया, इट कैन बी स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री जो था हमारा वो था आपका एफ एक्स कॉमा पी इजल टू एफ वाई कॉमा क्यू, कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन में लाके हमें ऐसा टाइप का होता था, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री मानते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स पी वाई क्यू सब है, है ना, तो वैसा फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, यहाँ पे अब हमें करना है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे जेड डेल जेड बाई डेल एक्स जेड, और ये चीज थोड़ा सा है बड़ा, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन, अब दिमाग लगा के करना है सब्स्टिट्यूट। तो कहाँ पे कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब करना है हमें सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो भैया सब्स्टिट्यूट अगर करना है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले डेल एक्स को बड़ा मान लेंगे, ये मान लेंगे, बिकॉज हमें उस फॉर्म में लाना है, ऐसे फॉर्म में नहीं। आपको समझ में आ जाएगा, आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझा चुका हूं मैं वहां पे। और जेड डेल डेड अगर अलग हो जाए इससे हम लोग कर लेंगे क्या, इक्वल टू देना हर जाएगा, कैपिटल जेड, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद देयरफॉर स्मॉल एक्स इक्वल टू बड़ा एक्स, स्मॉल वाई इक्वल टू बड़ा वाई, और जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कैपिटल जेड, ये आएगा हमारा चीज, राइट। अब इसे हम लोग उसमें पुट करेंगे, अब देखिए कितना प्यारा सा आ जाएगा इक्वेशन, जेड डेल जेड की जगह क्या रखना है, बड़ा वाला, है ना। तो डेल जेड बड़ा वाला जेड बाई डेल एक्स की जगह बड़ा वाला डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस
जेड डॉट जेड के जगह बड़ा वाला जेड बाई डेल वाई की जगह बड़ा वाला वाई, डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल, सेम टाइप का मैं आपको लेक्चर में करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, सेम टाइप का मैं आपको लेक्चर में करा चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत बढ़िया, ये चीज यहाँ पे आया इतना, ठीक है। अब करना क्या है इसे, अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये तो हमारा आ गया यहां तक, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ा पी बड़ा क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो क्या रिड्यूस हो गया क्या, देयरफॉर ये रिड्यूस हो गया क्या, यहां पे आप लोग देख सकते हैं पी क्यू एक्स वाई के टर्म में आ गया ना, विच कौन सा फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 3 है, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3, राइट, जो कि क्या था, ये था, यहां तक आ गया। तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में अगर रहता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देते हैं वो हमें पता है ना, कैसे देते हैं उसको देखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में अगर है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देते हैं, हम ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बता चुका है, उसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस यहां तक हम लोगों ने देखा, इसके बाद इसको आगे जल्दी से प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड इन द सेंस कि इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और इसको एक अब याद है ऐसा टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म 3 वाला वीडियो देखिएगा, आपको पूरा याद आ जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल एक टर्म में लिख लेते हैं, ये इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई ए स्क्वायर होगा क्या, स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से q क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। सो हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पता है कैसे देते हैं, एज वी नो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय डिजिट इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ऐसे ही देते थे कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा याद आ जाएगा आपको, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं यहां पे तो एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देयरफॉर डीजेड इक्वल टू क्या आ गया, पी क्या था हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू क्या था हमारा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई, ये था। इसके बाद हम लोग सिंपली इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमारा आएगा इक्वेशन, राइट। तो इंटीग्रेट करते इसको जल्दी से। सो गाइस इसको इंटीग्रेट करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेट आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो लॉग वाला है उसके टर्म में, जब डिजिट को करेंगे तो जेड आएगा, इधर साइड क्या आएगा आपका भैया, प्लस माइनस एक्स बाय टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, आपको पता है। उसी हिसाब से अगर हम लोग इसका करेंगे प्लस माइनस y बाई टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग डिजिट जो किए हैं यहाँ पे, ये वाला ये बड़ा जेड था, याद है बड़ा जेड, जो अभी सब्सिट्यूट नहीं किया हम लोगों ने वैल्यू, याद है जो सब वो बड़ा जेड था। यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बड़ा जेड आएगा, छोटा जेड याद है, बड़ा जेड छोटा जेड में वैल्यू,
देयरफॉर वैल्यू पुट कर देंगे, नाउ पुट वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, जेड के जगह जेड स्क्वायर बाय टू था ना, बाकी सब तो सेम था, प्लस माइनस एक्स बाय टू, आपको दिखाते हैं ये चीज, एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई बाय टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग वाई माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज यहां तक आ गया था, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे टू को काट देंगे सब जगह से कॉमन लेके, तो हमारा इक्वेशन कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनली, टू को आप लोग हर जगह से काट देंगे है ना, टू को हर जगह से काट देंगे, यहां पे काट दिया काट दिया। एक और चीज यहां पे, यहां पे ये याद है हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट जुड़ता था, तो यहां पे कांस्टेंट बी को मान लिए, तो यहां पे जो कांस्टेंट हो जाएगा वो बी हो गया। टू को जब काटे हम लोग तो टू जो कांस्टेंट एक बी तो जुड़ेगा ना, नॉर्मल सा बात है, ऑब्वियस सा बात है, बी लिखना भूल गया था, तो बी 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 जुड़ते जुड़ते जेड स्क्वायर बाय टू जब आएगा, टू टू कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा बस, बाकी सब टू कट जाएगा। ये चीज समझिएगा, स्टेप बहुत ईजी है, ये बी था यहाँ पे टू या जेड की जगह जेड स्क्वायर बाय टू लिखा, ठीक है, सबसे टू कॉमन हो गया लेकिन टू बी यहाँ पे रह जाएगा है ना, ईजी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, पता है। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा इक्वेशन बना वो बना, सबसे टू घट जाएगा और ये आ जाएगा इक्वेशन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया यहाँ पे कैसे। कोई भी क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म में नहीं दिया रहेगा, आपको लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करना है एकदम सेम वीडियोज में, जितना लेक्चर्स में जितना है उतना माइंड में रखिए, इतना देखिए क्वेश्चन, बस काफी है। और हाँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब सेम एकदम डेटा के साथ, आपको कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो उतना टेंशन उतना दिमाग में रखिएगा वो चीज लो, ठीक है, ऑब्वियस बात है ये। खैर कोई नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आया, बहुत इजी टाइप का था, कर किया हम लोगों ने, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी बहुत घातक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करना, ऑब्वियस बात है, एग्जाम में सॉल्व ही करना रहता है, कुछ नया बताइए सर, सही बात है, ठीक है, सुनो। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, डी है डी डैश, डी मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल जेड, डी मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल जेड, सॉरी डेल एक्स, और डी डैश मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल वाई, और ये जेड बाहर कॉमन है, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, इतना अंग्रेजी जानते ही आप लोग, सब पढ़ा चुके हैं, एकदम जल्दी जल्दी इसको देखते हैं, ठीक है, सॉरी 5x। तो भैया ये है आपका वो वाला फॉर्म, जब आप लोग जाइएगा तो आपको याद आएगा कि अरे सर ये कुछ सी एफ और पी आई में ए आई में बनता था, पी आई में याद है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में है ना, तो उस फॉर्म में ऑब्वियस बात है उसी फॉर्म में, आर एच एस में हमारा एक्सपोनेंट वाला, तो वो वाला रूल लगाएंगे, चार पांच मैंने केस बताया था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे एक केस और सही, तो हमें पहले यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हियर ए इज, ए क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सी एफ निकाल रहे हैं, पहले सी एफ निकाल रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पे डी को क्या करेंगे, एम मानते थे, टू एम स्क्वायर माइनस, और डी डैश की जगह वन लेते थे, याद है, इसके जगह एम और उसकी डी डैश की जगह वन, डी के जगह एम, डी डैश की जगह वन, टू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एम यहाँ पे एम का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा हमें, राइट, तो एम में हमारा है ये वाला क्वाड्रेटिक, एम में आप आराम से अपने वैसे निकाल सकते हैं तोड़ के या फिर नॉर्मल वैसे करके, ठीक है, तो जल्द से हम लोग देखते हैं इसे और एम का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर पी आई निकालना होगा, राइट, तो यहाँ पे हम लोग मानना क्या, डी के जगह एम और डी डैश के जगह वन, ठीक है। सो गाइस जल्द से हम लोगों ने निकाला एम, ठीक है, तो एम निकाला हम लोगों ने, ये चीज हमारा है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी बाई टू ए किया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आप कैसे भी फैक्टर भी करके निकाल सकते हैं, तो आई का है माइनस वन और एक बार थ्री बाई टू, देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ वन
y plus m1x, right, plus function f2 y plus m2x, right. ऐसा कुछ होता था, रिपीटिंग तो यहाँ पे रूट है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, आराम से फंक्शन y प्लस m1 क्या है आपका माइनस है ना, माइनस x प्लस फंक्शन टू y प्लस 3/2x, नॉर्मल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है जल्दी जल्दी में। अब फिर क्या है यहाँ पे, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सेम टाइप का नहीं आएगा, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस आपको उधर साइड में कोई डील नहीं करना है, नॉर्मल बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि भैया कैसे कैसे होता है। नाउ फॉर पी आई, अब हमें निकालना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो पी आई निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं आर एच एस में क्या है, एक्सपोनेंट है, इसमें याद है क्या होता था, e टू द पावर ax प्लस by के अगर टर्म में रहता था, इफ e का पावर ax प्लस by के टर्म में रहता था तो हम लोग d के जगह a और d डैश के जगह b पुट कर देते थे, राइट ऐसा कुछ करते थे, याद है कि नहीं, d के जगह a और d डैश के जगह b पुट कर देते थे, वैसे टाइप का कुछ कुछ करते थे हम लोग यहाँ पे। एक जो चीज जो सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर एच एस में क्या है आपका, समझिएगा यहाँ पे आर एच एस में, हियर आर एच एस में क्या है आपका, फाइव ई एक्स माइनस वाई, तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, e का पावर एक्स प्लस बी वाई में वन, और b क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली तो हम लोग देखते थे आराम से, ये समझ में आया, ए वन क्यों हुआ, बी माइनस वन क्यों हुआ, राइट यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेट करके, e का पावर x प्लस बी वाई का टर्म में, राइट। तो इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो नाउ गाइस, अब देखिएगा आराम से यहाँ पे, देयरफॉर पी आई क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें एक स्पेशल केस अराइज होगा। अब आपको लगेगा सर स्पेशल केस क्या, अभी देखिएगा समझिएगा अच्छे से, ये एक एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी आता है, लेकिन नो डाउट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें अगर ज्यादा आप माथा लगाते कोई दिक्कत नहीं, अभी सब आता है, इजीली समझ में आएगा। देखिएगा पी आई का क्या सीन है, वन बाई डी डी डैश के जो फंक्शन में है इनटू आर एच एस, ये होता है, राइट ये आपका होता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है यहां पे एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश जो फंक्शन है ये आपका जीरो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी जीरो आ जाता है। तो अगर ये डिनोमिनेटर वाला ये चीज अगर जीरो आ जाता है वो ए और बी रखने पे, जैसे कि यहाँ पे ए और बी रखेंगे ना हम लोग, याद है एक्सपोनेंट वाले केस में डी के जगह ए रखेंगे, डी डैश के जगह वो बी रखेंगे, अगर वो रखने के बाद जीरो आ जाता है तो हम लोग एक स्पेशल केस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जल्दी अगर हम लोग का ये चीज वन बाई फंक्शन ए कॉमा बी इंटू आर एच एस होगा, और इफ मैं आपको साइड में ही बताता हूं अच्छे से, देखिएगा अच्छे से, कि इफ वन बाई ये जो आपका है एफ ए कॉमा बी, ये अगर जीरो हो जाता है तो स्पेशल केस वन बनेगा, देख लेते अभी हमको पता नहीं ये वो है कि नहीं, लेकिन स्पेशल केस वन, ये सारे लेक्चर में मैंने नहीं बताया था बिकॉज उस समय यूज नहीं पड़ा था अभी, लेकिन यूज पड़ सकता है, लेकिन आपको जाना चाहिए इतना भी डीप नहीं, बिकॉज देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिएगा स्पेशल केस वन, ठीक है, स्पेशल केस वन बोले तो कि अगर ये जीरो हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, देन x से मल्टीप्लाई करते हैं पी आई निकालने के लिए, x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे d के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल बाय डेल d समझ में आया, x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाला जो फंक्शन उसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जब आप और आर एच एस से तो मल्टीप्लाई करेंगे,
और उसके बाद भी फिर भी जीरो नहीं आया तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिपीट होता है, लेकिन एक बार में आई गेस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एफ ए कॉमा बी चेक करते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं, चेक एफ ए कॉमा बी जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वो आप लोग जाइएगा उधर तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या था, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या था, आप लोग तो लिख लिए, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा था, चेक करते पहले, तो एफ डी डी डैश मेरा क्या फंक्शन था उसको देखते हैं, टू डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस थ्री डी डैश स्क्वायर, ये था हमारा फंक्शन। अब इसमें डी के जगह ए रखिए, डी डैश के जगह बी रखिए, चेक करके देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग डी के जगह ए रखेंगे, ए हमारा कितना था वन था और बी हमारा माइनस वन था, तो ए डी के जगह ए रखिएगा तो टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस डी कितना है वन और डी डैश माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ये, माइनस थ्री डी डैश का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जीरो आ गया। ये फंक्शन अगर जीरो आ गया तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे इस फंक्शन को डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देयर फोर पी आई क्या आ जाएगा, समझिए अच्छे से एकदम समझिएगा। नहीं ये वाला हम लोग का यही वाला केस आ गया, ये केस आ गया, अगर ये केस आ गया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि पी आई जो है आपका ये चीज को करेंगे आगे। तो पी आई कैसे दिया जाएगा, एक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, एक्स से मल्टीप्लाई किया और नीचे डिफ्रेंशिएट किया, फंक्शन हमारा क्या था टू डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस थ्री डी डैश स्क्वायर, तो टू डी स्क्वायर का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर डी माइनस डी डी डैश का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी के रिस्पेक्ट में डी डैश आएगा, अब माइनस वो डी डैश वो तो जीरो ही हो जाएगा, क्या कि हम लोग को डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें बाकी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आया। और आर एच एस में मेरा क्या था फाइव इंटू ई का पावर एक्स माइनस वाई, ये आ गया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आया मेरा, अब हम लोग देखिए ए वन था बी माइनस वन था, अब यहाँ पे देखिए रख के अब जीरो नीचे वाला नहीं आ रहा तो इजिली रख देंगे, देयर फोर पुट अब हम लोग आराम से रख देंगे, क्या कि अब नीचे वाला जीरो नहीं आ रहा है, एक्स वाई डी के जगह ए रखेंगे फोर इंटू वन माइनस डी डैश के जगह माइनस वन, तो इसको हम लोग जब हम लोगों ने करा सो ये मेरा फाइनली पी आई क्या आ गया एक्स बाई फोर प्लस वन एक्स बाई फाइव इंटू ई का पावर एक्स माइनस वाई, फाइव फाइव कट गया इक्वल टू क्या आ गया एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस वाई, तो पी आई मेरा ये आ गया सी एफ ओ आ गया, देयर फोर सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा आपका सी एफ प्लस पी आई, सी एफ भी आ गया पी आई भी आ गया, वैल्यू रख दीजिए आंसर सॉल्यूशन, समझ में आया बहुत बढ़िया। ऐसा ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग को समझ में आया अच्छे से कि भैया कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या बोलते हैं भाई लोग क्लियर है अच्छे से, ऐसा ही टाइप का चीज हमें करना होता है नॉर्मली, ऐसा ऐसा केस रहेगा ऐसा ऐसा बनेगा ऐसे ऐसे करते जाएंगे इजिली। यहाँ पे ये केस बना, ये वाला स्पेशल केस था, इसको हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, कभी कभी आ जाता है, नॉर्मली जीरो नहीं होता है लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी आ जाता है, अब पी वाई क्यू में आया है तो भाई याद तो करना ही पड़ेगा, ये वाला ऐसे हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस इतना क्वेश्चन हुआ पी वाई क्यू आई गेस, हम लोगों ने अच्छा खासा आपको कंप्लीट करा दिया इधर उधर से करके जो भी था, वैसे क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, जितना भी ट्राई कीजिएगा आपको सेम क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, बस प्रोसेस पता होना चाहिए, इतना प्रोसेस पता रहेगा ऑब्वियस बात है बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। सो गाइस थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, ठीक है, और एकदम घबराना नहीं, अच्छे से देना एग्जाम।